पूर्व विधायक बैजनाथ कुशवाहा बोले, मंत्री जी मेरे समाज पर कर रहे हैं अत्याचार, हम चुनाव 13 तारीख को देंगे इसका जवाब। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है, इसकी शुरुआत देखते ही अंदाजा लगाया जा सकता है। यहां बीजेपी अपने मंत्री को जिताने का पूरा प्रयास कर रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने साथ हुए धोखे का बदला लेने मैदान में पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है। कल कराहल कांग्रेस की सभा में सबलगढ़ के पूर्व विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने भी आए दिन उनके समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा कि मेरे समाज की एकता के आगे मंत्री जी घबराए हुए हैं, इसलिए तो रोज कोई ना कोई दमचक उड़ा रहे हैं। हम पूरी ताकत से इसका जवाब 13 तारीख के चुनाव में देंगे। संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चुनाव की घोषणा तो आज हुई है, आपके समाज एक निर्णायक भूमिका में इस बार, क्या होगा इस बार? देखो ये तो आप भी जानते हैं, विरोध उसी का होता है जो ताकतवर होता है। सामने वाला अगर विरोध कर रहा है तो केवल मेरे समाज की, जहाँ भी घटना हो रही है मेरे समाज से हो रही है, जहाँ भी मारकूट हो रही है वो मेरे समाज से हो रही है। इसका मतलब साफ है कि हमारा समाज पूरी तरह ताकत से खड़ा है और रामनिवास जी पूरी तरह से हमारे समाज पर दमन चक्र चला रहे हैं और निश्चित तौर पर इसका जवाब हम 13 तारीख को देंगे। हमारा पूरा समाज तैयार है। आपके समाज के लिए कैसी योजना दे दी जहाँ जिनसे कि अब तो आज घोषणा हो चुकी है, क्या करेंगे क्या देंगे, अब तो दे ही नहीं सकते हैं। अगर देंगे तो पूरी तरह बेईमानी होगी। आज तक नहीं दिया तो वो कब देंगे? कुछ नहीं, वो केवल चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। ट्रांसफर वो किस तरह देंगे? वो आप तो अच्छी तरह जानते हैं, उनसे जांगड़े जी ईमानदारी से चुनाव कराना चाह रहे थे और उनको लोकतंत्र में भरोसा था। ये जो आदमी आया है जो दलितों पिछड़ों का विरोधी है और निश्चित तौर पर वो यहाँ पर बेईमानी करना चाहता है, लेकिन कांग्रेस इस तरह से मजबूत है, चप्पे चप्पे पर हर पोलिंग पर किसी तरह से बेईमानी नहीं होने देंगे।